नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोहित्रा। आईपीएल क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट है जहां खिलाड़ियों की अदला बदली चलती रहती है। आईपीएल में एक खिलाड़ी इस सीजन में जिस टीम से खेलता है, हो सकता है अगले सीजन में वो खिलाड़ी किसी और टीम से खेलता हुआ दिखाई दे। आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी की बात करेंगे जो पिछले सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा था, तो अब वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा है। वही ये खिलाड़ी चेन्नई के खिलाफ मुंबई का तुरका इक्का भी साबित हो सकता है। दरअसल यहाँ हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम है पीयूष चावला। पीयूष चावला आईपीएल के उन चुनिंदा गेंदबाजों में से हैं जिनके नाम 150 से भी अधिक विकेट हैं। पीयूष चावला पिछले सीजन में चेन्नई के लिए धमाल मचाते हुए दिखाई दिए, वहीं अब वो मुंबई के लिए अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को फंसाते हुए दिखाई देंगे। चावला को पिछले सीजन में चेन्नई के लिए 7 मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 33 रन देकर 2 विकेट का था, लेकिन उन्होंने 9.09 की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए, जिसकी वजह से चेन्नई की टीम ने उनको निकाल दिया। तो वहीं मुंबई ने उनको खरीदने में जरा भी देर नहीं लगाई। ऐसे में अगर आज मुंबई की टीम उन्हें चेन्नई के खिलाफ मौका देती है तो वो चेन्नई के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा सकते हैं। वहीं चावला के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने इस लीग में अब तक 164 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 156 विकेट दर्ज है। चावला ने 17 रन देकर 4 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं उनका आईपीएल में इकोनॉमी रेट भी 7.87 का है। जहां तक आईपीएल में चावला के सर्वश्रेष्ठ सीजन की बात है तो वो लीग का पहला ही सीजन था। साल 2008 में उन्होंने 15 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए थे। इसके अलावा चावला 2008 से 2013 तक किंग्स 11 पंजाब टीम का हिस्सा रहे थे। वहीं पंजाब से निकाले जाने के बाद उन्हें कोलकाता ने खरीदा और वो 2014 से 2019 तक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते नजर आए। वहीं 2020 में वो चेन्नई के लिए खेले, लेकिन अब वो मुंबई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे स्पोर्ट्स आर के साथ।